धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सेवा सिमरण पिताजी से प्यार कैसा चल रहा है सभी भाई बहनों का? तो सतगुरु जी की सभी पे बेशुमार रहमत है जी। तो सत्संग जी, आप आज चर्चा करेंगे, एक शब्द अपने ग्रंथ में लिखा है वो आपको सुनाएंगे भी, और उसमें क्या लिखा है, बिगड़ी बनाने वाला गुरु बिन कौन है और दुखड़े मिटाने वाला गुरु बिन कौन है। इंसान की बिगड़ी बनाने वाला वो सतगुरु ही है, इंसान के सारे दुख दर्द मुसीबत मिटाने वाला सतगुरु है। तो साध संगत जी, सतगुरु बिगड़ी बनाएगा, जो अब ये अपना काम बिगड़ा हुआ है इसको ही पिताजी चुटकी बजा के जब मर्जी सेट कर देंगे, क्योंकि जब महाभारत की लड़ाई हुई उसमें भी करोड़ों लोग मरे, 18 अक्ष्मणी दल सेना की लड़ाई हुई थी जिसमें 11 अक्ष्मणी दल सेना कौरवों के पास थी और 7 अक्ष्मणी दल सेना पांडवों के साथ थी। तो जब भयंकर लड़ाई हुई, लड़ाई के अंदर जो अर्जुन का पुत्र था ना अभिमन्यु, उसने एक चक्रव्यूह बनाया और वो चक्रव्यूह के अंदर आप ही फंस गया। तो जितने भी बड़े बड़े कौरव थे उन्होंने सबने मिल के उसका अर्जुन को मारने की पूरी जबरदस्त प्लानिंग बनाई, और जो अभिमन्यु था उसको भी चक्रव्यूह में फंसा लिया। तो अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सका, सारे कौरवों ने मिल के उसको पीट पीट के मार मार के अभिमन्यु का अंत कर दिया। तो साध संगत जी, जब अभिमन्यु मर भी गया ना, मरने के बाद एक आदमी था उसका नाम था जयद्रथ, उस जयद्रथ ने मरे हुए अभिमन्यु को भी लाते मारी, मुक्के मारे, मरे हुए आदमी के साथ भी बहुत मजाक किया और पूरा जोर जोर से हंसा। तो जब रात को अभिमन्यु की लाश पांडवों के खेमे में गई और वहां जाके पता चला अर्जुन दूसरी जगह युद्ध लड़ने गया हुआ था, जब अर्जुन लड़ाई से वापिस लौटा उसको पता चला अभी तेरा जो पुत्र है ना अभिमन्यु वो वीरगति को प्राप्त हो गया। तो अर्जुन को इस बात का दुख नहीं था भी मेरा पुत्र मर गया, लेकिन जैसे उसको पता चला ना भी एक जयद्रथ ने मरियो इलाज के ऊपर भी लाते मारी, मुक्के मारे और मरे हुए आदमी के साथ भी खिलवाड़ किया, तो अर्जुन को इस बात का बहुत दुख आया। अर्जुन ने शाम को ही प्रतिज्ञा ली, अखंड प्रतिज्ञा, कि अगर मैं अपनी माँ बाप की औलाद हूं ना, मैं कल शाम को सूर्यास्त होने से पहले पहले उस जयद्रथ को मारूंगा, और अगर मैंने जयद्रथ को ना मार सका तो कल शाम को अंधेरा होते ही रात को, कल जब सूर्यास्त हो जाएगा तब तक लड़ाई होती थी, तो सूर्यास्त होने के बाद दिन छिपने के बाद अगर मैं जयद्रथ को ना मार सका तो मैं अपने आप को अग्नि की भेंट कर दूंगा। तो साध संगत जी, क्या हुआ, अगले दिन सुबह उठते ही कृष्ण जी महाराज ने देखा भी अर्जुन ने तो बड़ी अखंड प्रतिज्ञा ले ली, वो रथ चला रहे थे कृष्ण जी महाराज अर्जुन का सवेर से पूरा ढूंढते 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 दोपहर होगी। जो कौरव थे उन्होंने मन में ठान ली भी अपना जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है अर्जुन, और अगर आज हम जयद्रथ को कहीं छिपा देंगे ये बाहर नहीं आएगा तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो जाएगा और पांडवों की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। उन्होंने जयद्रथ को छिपा दिया। तो दिन के 3 बज गए, 4 बज गए, उस टाइम किसी के हाथ पे घड़ी नहीं होती थी, मौसम का अंदाजा आसमान देख के लगाया जाता था। तो जैसे ही 3-4 बज गए, कृष्ण जी महाराज ने देखा कि अगर आज मैंने कोई यत्न ना कराया ना तो इस अर्जुन को आग में जलना पड़ जाएगा। तो अर्जुन ने भी जब 3-4 बज गए, उसने देखा दिन छिपने वाला है, उसने भी श्री कृष्ण जी महाराज के चरणों में मत्था टेका, हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरे भगवान, मेरे बस का कुछ नहीं, मैंने क्रोध में आके ये प्रतिज्ञा ले ली थी, अब हे मेरे मालिक तुझे ही लाज है। तो साध संगत जी, कृष्ण जी महाराज ने इतनी देर में बहुत तेज हवा चला दी, आंधी, काले काले बद्दल आ गए, जो सूरज था ना वो छिप गया। अब जो कौरव थे अहंकार के अंदर वो ढोल बजाने लगे और उन्होंने लकड़ियों की चिता त्याग करवा दी और वो कहने लगे, भाई अर्जुन अगर तू अपनी माँ बाप की औलाद है ना, कूद इस आग के अंदर, अब तेरे को अग्नि में जलना पड़ेगा। तो साध संगत जी, अर्जुन ने भी अपना तीर था, अपना दांडीर था, तीर घेर दिया, अपने कमान घेर दिए, उसको भी ये था अब तेरी जिंदगी खत्म होएगी। तो इतनी देर में ही जो कौरव थे ना वो जयद्रथ को भी ले आए, जयद्रथ भी जोर जोर से नाचने लग गया, अर्जुन को कहने लग गया मार लेना मेरे को। तो साध संगत जी, सतगुरु सतगुरु होता है, श्री कृष्ण जी महाराज ने दोबारा एक मिनट में इतनी तेज आंधी चलाई, इतनी तेज हवा चलाई, जो सूरज बादलों में छिप रहा था ना वो साध संगत जी 2-4
मिनट के अंदर ही सारे बादल चले गए और दिन निकल गया। दोबारा महाराज ने वचन फरमाए, बेटा अर्जुन उठा तेरा तीर। और साथ संगत जी इतिहास गोवा है, अर्जुन ने तीर उठाया और उसकी जो जयद्रथ था ना, तीर कमान के साथ उसकी गर्दन उड़ाला, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो साथ संगत जी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी अर्जुन ने, पर लेकिन करी किसके दम पे? अपने सतगुरु के दम पे। तो हमारे को भी अपने सतगुरु पे मान है, किसी इंसान में कोई ताकत नहीं वो सतगुरु के लिए कुछ कर दे, लेकिन सतगुरुगा चुटकी बजा के सारे काम करेगा। जिस दिन उसने आना होगा, किसी के अंदर दम नहीं, कोई उसको रोक ले। वो मर्जी का मालिक है, मर्जी से गया है, मर्जी से आएगा। तो हम एक शब्द लगाते हैं, उसके बाद आपको एक बात बताएंगे भी, जो सतगुरु करता है वो 100% सही करता है। और साथ संगत जी, कल से हम एक हमारा फेसबुक का पेज है MSG पिया के यूथ, उस पे लाइव आएंगे, क्योंकि बहुत साथ संगत है ना, वो मेरे पास अब भी 1000 से ज़्यादा रिक्वेस्ट पड़ी है। तो सारे भाई बहन नाराज होते हैं भी, भाई जी आप हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों नहीं स्वीकार करते, पहले भी 5000 के करीब जो है वो फ्रेंड है मेरे पास। तो अपना तो सिर्फ एक ही है भी, राम नाम का अपने डंका बजाना है, सतगुरु के गुणगान गाने हैं ना। मैं किसी को ये कहता भी धक्के से आप मेरे पेज को फॉलो करना, जो गुरु घर के पेज हैं, जो अपने डेरे का डेरा सच्चा सौदा का पेज है उसको फॉलो करो, जो साध संगत जी उसके अलावा यूट्यूब पे डेरा सच्चा सौदा के अपने सच कहूँ न्यूज चैनल है, DSS न्यूज एंड अपडेट है, उसको फॉलो करो। लेकिन हम उस पेज पे आएंगे, जिसका दिल करे वो देख लेना, और नहीं तो बाद में हम इस अन्नू इंसा की ID पे भी उसको शेयर कर दे करेंगे, यहाँ देख लेना। तो इसलिए सभी भाई बहनों को एक शब्द सुनाते हैं और उसके बाद बताएंगे भी जो सतगुरु करता है वो कैसे करता है, वो भी 5-4 मिनट की बात है। तो सभी ने मिलके अपने सतगुरु का गुणगान करना है, मिलके ये भजन बोलना है, भी बिगड़ी बनाने वाला गुरु बिन कौन गुरु। हो ला 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 रे ला 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 रे ला ला, हो ला 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 रे ला 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 रे ला ला। बिगड़ी बनाने वाला गुरु बिन कौन है, दुखड़े मिटाने वाला गुरु बिन कौन है, बिगड़ी बनाने वाला गुरु बिन कौन है, दुखड़े मिटाने वाला गुरु बिन कौन है, बिगड़ी बनाने वाला। माया ने पले पले है भटकाया, गफलत का है पर आया, पर्दा हटाने वाला गुरु बिन कौन है, बिगड़ी बनाने वाला गुरु बिन कौन है, दुखड़े मिटाने वाला। हो लला लर लाला लला लर लाला ला लर लाला, हो लला लर लाला लला लर लाला ला लर लाला। नाम की सबुन से करे ते सफाई, जन्म जन्म की अमल दुल जाई, निर्मल कर दे जो गुरु बिन कौन है, बिगड़ी मनाने वाला गुरु बिन कौन है, बिगड़ी बनाने वाला। ओ ला 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 ला।
लर लाला नैया बव सागर में गोते तिखाती घूमन गेरी में पसती थी जा किसती तराने वाला गुरु बिन कौन है बिगड़ी बनाने वाला गुरु बिन कौन है बिगड़ी बनाने वाला हो लला लर लाला लला लर लाला अज्ञानता की निंदेरा से गुरु ने बचाया दीपक ज्ञान देकर घट में दिखाया प्रभु दिखाने वाला गुरु बिन कौन है दुखड़े मिटाने वाला गुरु बिन कौन है बिगड़ी बनाने वाला गुरु बिन कौन है दुखड़े मिटाने वाला गुरु बिन कौन है बिगड़ी बनाने वाला हो लला लर लाला लला लर लाला लालर लाला हो लला लर लाला लला लर लाला तेरा कोई शास्त्र नाम जी बताने वाला गुरु बिन कौन है दुखड़े मिटाने वाला गुरु बिन कौन है बिगड़ी बनाने वाला गुरु बिन कौन है दुखड़े मिटाने वाला गुरु बिन कौन है बिगड़ी बनाने वाला गुरु बिन कौन है दुखड़े मिटाने वाला गुरु बिन कौन है बिगड़ी बनाने वाला धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो साध संग जी बिगड़े बनाने वाला गुरु बिन कौन है, जो गुरु होता है ना वो घट घट का जाना नार होता है। साध संग जी आपको एक समय की बात बताते हैं भी गुरु जी कैसे हर काम को सही करते हैं, लेकिन जो शिष्य होते हैं उनके मन में क्यों किंतु बट परंतु आती है तो उसका निवारण सतगुरु जी करते हैं। तो आपको साध संग जी एक समय की बात बताते हैं, एक समय में एक गुरु जी थे और वो गुरु जी अपने पांच चार शिष्यों को लेके अपने पांच चार सेवादारों को लेके जंगल में चले गए भक्ति करने के लिए। जंगल में चलते चलते जो शिष्य थे उनको बड़ी प्यास लगी और साध संग जी वो गुरु जी को कहने लगे, गुरु जी हमने पानी पीना है। गुरुजी बोले, बेटा कोई ना कोई जगह ढूंढ लेते हैं। तो वो गुरुजी और शिष्य जंगल में घूमते घूमते, एक भाई था उसकी 200-300 एकड़ जमीन थी, लेकिन जमीन बंजर पड़ी थी, मकान टूटी हुई हालत में था। गुरुजी उसके घर जा पहुंचे और कहने लगे, दरवाजा खड़काया, अंदर से वो शिष्य बाहर आया, शिष्य की घरवाली एक जिम्मेदार बाहर आया
उसकी घरवाली थी और साथ में 3 बच्चे थे। तो गुरु जी ने उस आदमी से कहा, बेटा जिमीदार हमें बड़ी प्यास लगी है, हमारे को बेटा पानी पिलाओगे? तो साध संगत जी, वो जो भाई था घर में गया, पानी लेके आया मटका, उसने गुरु जी को और जो साथ में 4-5 गुरु जी के सेवादार आया, तो शाम के 5-6 बज चुके थे। गुरु जी ने देखा कि अब रात हो, अब कहाँ जाएंगे। गुरु जी ने उस भाई से विनती करी, बेटा क्या हम तेरे आंगन में यहीं सो जाएं, सुबह उठ के हम अपने आगे सफर पे रवाना हो जाएंगे। वो शिष्य बोला, गुरु जी इससे बढ़िया क्या बात होगी, आप मेरे घर में आए हो और मेरा भी फर्ज बनता है भी आप हमारे भी गुरु हो, आप हमारे घर में रुको, सुबह आप अपने सेवादारों को लेके चले जाना। तो गुरुजी ने उस जिमीदार से, किसान से पूछा कि बेटा आप क्या काम करते हो? वो कहने लगे, गुरुजी ये सारी जमीन मेरी है, 200-300 एकड़ किले, लेकिन मैं फसल नहीं करता, मेरे पास एक भैंस है और मैं उस भैंस का दूध निकालता हूँ, उसी को हम पी लेते हैं और जो बचता है बाजार में बेच के हमारे घर का बहुत बढ़िया गुजारा चल जाता है। तो साध संगत जी, गुरुजी समझ चुके थे कि ये जो भैंस है ना, इसी से ही ये सारे घर का खर्चा चलाता है, ये भाई अपनी जमीन पे फसल नहीं बोता। तो सतगुरु सतगुरु होता है, गुरुजी लेट गए, साथ में सेवादार भी लेट गए। रात को 12 बजे, रात के 1 बजे गुरुजी उठे और गुरुजी ने उठ के जो 4-5 शिष्य थे उनको हुक्म दिया कि बेटा इसके घर में जो ये भैंस बंधी हुई है, इस भैंस का रस्सा खोल दो। तो शिष्यों ने अपने सतगुरु जी के वचन मान के जो वो भैंस थी उसका रस्सा खोल दिया और भैंस जंगल में चली गई। अब गुरु जी ने अपने सेवादारों को कहा कि बेटा अब हम भी यहाँ से चलते हैं। तो जो सेवादार थे वो भी चले गए, गुरु जी भी चले गए। अब जो सेवादार थे उनके मन में किंतु परंतु आ गई, उनके मन में शंका आ गई भी यार जिस आदमी ने हमारे को अपने घर में रखा, अपने घर में खाना खिलाया और अपने घर का दूध पिलाया, अपने घर का पानी पिलाया, और ये हमारा गुरु कैसा है, इसने उसी आदमी की भैंस खुलवा दी, उसी आदमी की भैंस को जंगल में छुड़वा दिया और ये गुरु जी ने सही नहीं किया। 1-2 साल बीत गया, 3 साल बीत गए, शिष्यों के दिल में दर्द था भी गुरु जी ने ये खेल सही नहीं खेला। 2-3 साल बाद गुरु जी अपने शिष्यों को कहने लगे, बेटा हमने सत्संग करने के लिए दूसरे देश में जाना है, इतना तम अपने गुरु घर की देखभाल करना, जो वचन हमने बता रखे हैं उन वचनों पे चलना, गुरु घर की संभाल करना, हुक्म से बाहर ना जाना। अब जो शिष्य थे गुरु जी के जाते ही उन्होंने प्लानिंग बनाई, उन्होंने मीटिंग करी कि यार अपने गुरु जी ने कितना बुरा काम किया था, जिस आदमी ने हमारे लिए अपना दरवाजा खोला, हमें पानी पिलाया, जिस जिमीदार ने हमें खाना खिलाया, अपने घर दूध पिलाया, अपने घर सोने की जगह दी और हमारे सतगुरु जी ने उसका रोजगार ही छीन लिया, उसकी भैंस को जंगलों में छिड़वा दिया। वो शिष्य कहने लगे, अब हम चलेंगे और गुरु जी के किए हुए कर्म की हम माफ़ी मांग के आएंगे। सारे 5-4 सेवादार शिष्य इकट्ठे होके जंगल की तरफ चल पड़े और वो जंगल में जाके जब उस भाई की जमीन पे पहुंचे तो जो सेवादार थे वो देख के हैरान रह गए। जो बंजर जमीन थी वहाँ कई कई तरह के बाग लगे हुए थे, कई कई तरह के फूल लगे हुए थे, कई कई तरह के फ्रूट लगे हुए थे। तो सेवादारों ने सोचा, यार वो जो आदमी था ना वो तो गरीब था, वो अपनी जमीन बेच के यहाँ से जरूर चला गया होगा, गुरुजी ने सही नहीं किया। जब शिष्य वहाँ से मुड़ के वापिस आने लगे तो उनको वहीं से खेत में उस जिमीदार ने ही आवाज लगाई, अरे गुरुजी, अरे गुरुजी कहाँ जा रहे हो? वो आ गया जिमीदार, आके गुरुजी के पैर पकड़ लिए, कहने लगे गुरुजी आप लोगों ने तो मेरी तकदीर ही बदल दी। तो शिष्य पूछने लगे, भैया कैसे बदल दी? वो कहने लगे, गुरुजी आज से 3 साल पहले आप अपने गुरुजी के साथ मेरी कुटिया में आए थे और रात को बिना बताए आप 12-1 बजे चले गए, और जब आप चले गए तो पीछे से जो मेरी घर की भैंस थी ना वो भी पता नहीं कहाँ चली गई, जंगल में रवाना होगी, और मेरे बच्चे भूखे थे, घर में खाने का कोई सामान नहीं था,
तो मैंने क्या किया, अपने खेत में जितनी लकड़ियां थी सारी लकड़ियां इकट्ठी करी और लकड़ियों को मैं जाके बाजार में बेच के आया। बदले में जो मेरे को पैसे मिले, उन पैसों से मैंने अपने खेत के अंदर एक कुआं बनाया और कुएं में पानी का इंतजाम किया। फिर फसल ऐसा ऐसा पानी से मैं बोने लगा। पहले साल जो फसल आई मैंने उसका पैसा इकट्ठा किया, अगले साल डबल फसल हुई और अब तीसरे साल में मैंने उसी पैसे से ये सारे बाग लगा दिए अपनी जमीन पे। नजदीक नजदीक के 1000 किलोमीटर भी किसी आदमी के पास ऐसे सुंदर बाग नहीं है जैसे सुंदर बाग मेरे पास हैं। और मैंने अपना आलीशान महल भी तैयार कर लिया। तो वो जिमीदार कहने लग्या, रे अगर आप लोग गुरुजी मेरे घर ना आते, मेरे घर से वो भैंस ना जाती, तो आज मैं उसी भैंस के सारे जीरा होता, घर में गरीबी होती, टूटा हुआ मकान होता, बच्चों के वही गरीब कपड़े होते। लेकिन जब से गुरुजी ने मेरे घर में चरण टिकाए मेरा भाग्य बदल गया। जब से मेरे घर से वो भैंस गई है उसके बाद मैं करोड़पति बन गया, मेरे तकदीर के दरवाजे खुल गए। तो साध संगत जी, अब जो शिष्य थे ना वो जान चुके थे कि जो हमारे सतगुरु ने किया है वो 100% सही किया है। तो मालिक के आशिको, जैसे गुरुजी ने उसकी भैंस खुलवाई थी ना, तो अब ये जो पिताजी सतगुरु जी सुनारिया धाम में गए हैं इसका भी बहुत बड़ा राज है, ये आने वाले समय में पता लगेगा। क्योंकि साईं मस्ताना जी महाराज ने, परम पिताजी ने, पूज्य हजूर पिताजी ने एक बीड़ा ठाना है, भी पूरे विश्व को राम नाम से जोड़ना है, पूरी दुनिया के नशे बंद करवाने हैं। तो साध संगत जी, जैसे गुरु जी ने उस आदमी की भैंस खुलवाई थी, अब सतगुरु जी ने सुनारिया धाम वाला खेल खेला है। तो थोड़े दिन में सारे शिष्यों को, सारे सेवादारों को, ज्यादातर को तो समझ में आ रहा है, क्योंकि सतगुरु जी ने फिल्म में भी हर चीज बताई है। तो जो दृढ़ विश्वासी हैं उनकी तो समझ में आ रहा है, लेकिन जिनके अंदर क्यों, किंतु, बट, परंतु ये शब्द आ रहे हैं, इनका निवारण भी हमारे सतगुरु जी पूरी दुनिया को राम नाम से जोड़ के बहुत जल्दी देंगे। तो सारे ही शिष्य बाद में कहेंगे भी वाक्य में सैल्यूट है हमारे सतगुरु को, जिन्होंने इतना सुंदर गेम खेला और थोड़ी सी इसके अंदर अपने को तंगी जरूर आ रही है, पर इसका जो सत्संग जी रिजल्ट है वो बड़ा जबरदस्त आएगा। पूरी दुनिया सच्चे सौदे का सुख लेगी, पूरी दुनिया सच्चे सौदे का आनंद लेगी, बच्चा बच्चा राम नाम से जुड़ेगा और सब धरती आकाश पे होगा होगा एक ही नाम, सा सतनाम, सा सतनाम। तो सभी ने अपने सतगुरु के खेल को देखना है, दृढ़ विश्वास रखना है, किसी की क्यों, किंतु, बट, परंतु में नहीं आना, अपने सतगुरु का पल्ला पकड़ के रखो। वो सतगुरु सब कुछ जाननार है, घट घट की जाननार है, वो दोनों जान का मालिक है। तो अपने सतगुरु पे दृढ़ विश्वास रखो और कल रात को 9 बजे MSGPIA के यूथ फेसबुक पेज पे हम लाइव आएंगे। तो सभी भाई बहन जो कोई जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं जी, और हमारे से कोई बोलने में गलती हुई है तो आज जुड़ के माफ़ी मांगते हैं जी। और साध संगत जी, एक डायलॉग लिखा था वो भी आपको सुनाएंगे। अपने गुरु को जो छोड़ दे, अरे अपने गुरु को जो छोड़ दे वो चेला होगा किसी और धाम का, अरे काल महाकाल भी उसको हिला नहीं सकते जो मुरीद है सा सतनाम का, जो मुरीद है सा सतनाम जी का, जो सा सतनाम जी के मुरीद हैं काल महाकाल भी उनको हिला नहीं सकते। जिन्होंने सतगुरु का पल्ला पकड़ा है, सतगुरु जी ने वचन किए हैं कि अंगद की तरह पैर जमा के रखना, किसी में ताकत नहीं है जो तुम्हारा पैर हिला देगा। तो इंसान का ही फर्ज बनता है कि अंगद की तरह अपना पैर जमा दो, दुनिया की कोई ताकत हमारे को हिला ना सके। तो अपने सतगुरु पे दृढ़ विश्वास, वो दोनों जानों में जय कराएगा, दोनों जानों में बल्ले बल्ले कराएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आ